भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली पर बॉल के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। एक वीडियो का हवाला देते हुए विराट पर मुंह में हाथ डालने और फिर गेंद के एक हिस्से से छेड़छाड़ करने की बात कही गई है। ब्रिटिश अखबार टैब्लॉइड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीवी कैमरों से यह साफ संकेत मिलता है कि कोहली ने अपना दाहिना हाथ मुंह में डाला और इसके बाद वह एक तरफ से बॉल को रगड़ते हुए दिखे। हालांकि मेहमान टीम इंग्लैंड की ओर से इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से भी साफ इनकार कर दिया है। ICC नियमों के मुताबिक यदि कोई टीम विरोधी टीम या उसके खिलाड़ी पर गेंद से छेड़छाड़ करने के बारे में शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसे टेस्ट मैच खत्म होने के 5 दिन के अंदर ही ऐसा करना होता है। बहरहाल राजकोट में शुरू हुई भारत और इंग्लैंड की सीरीज 13 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में अगर इंग्लैंड टीम को कोई शिकायत करनी होती तो वो उसे आधिकारिक रूप से 18 नवंबर तक ही दर्ज करा सकती थी। बहरहाल मैच के दौरान मैदान पर मौजूद अंपायरों ने भी कोहली को बॉल के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करते हुए नहीं पाया है। ऐसे में साफ हो जाता है कि ब्रिटिश मीडिया के दावे खोखले हैं और विराट कोहली पर बॉल टेम्परिंग का कोई भी मामला बनता नहीं दिखता। देखते रहिए DB Live।